हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पावर सीट कोर्स में। आज हम देख रहे रॉयल इनफील्ड हिमालयन बाइक है, आप देख सकते हो दिल्ली की बाइक है, उसका नंबर प्लेट भी देख लो एक बार। और बाइक राइडर है फॉरेनर, यूएस के है, और वो थोड़ा सा सर्च करके आए अपने शॉप पे डायरेक्ट। वो एक दो दिन पहले विजिट करके गए कि मुझे ऐसा चाहिए, आप बना सकते हो क्या, ये फोम बहुत ही ख़राब हुआ है और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है बैठने में। तो आप देख सकते हो किधर, तो ये लोकल बाज़ार में किया था एक वॉलिंग चढ़ा के, उनको बहुत दर्द हो रहा था बैठने के बाद, मतलब हार्डनेस पूरा ख़त्म हुआ था, पूरा सॉफ्ट हुआ था, और ये आगे पीछे का जो स्लोप है पूरा ख़राब हुआ था। तो जो जिसने भी ये काम किया हम वो काट रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम हमारे हिसाब से करने वाले जो, और जो ओरिजिनल बेस है उसके ऊपर पिक करने वाले, और ये स्पेशली यूएस के कस्टमर है भाई, नियर बाय किधर तो काम करते हैं हमारे पूना में, तो उन्होंने, उनको अपना काम अच्छा लगा तो उन्होंने सोच लिया कि हम काम करेंगे तो इनसे ही काम करेंगे। और ये ली है एचडी वॉलिंग, आप देख सकते हो, और कस्टमर को हमने दिखाया था ऐसा ऐसा मटेरियल आ जाएगा, हार्ड भी दिखाया था और सॉफ्ट भी दिखाया था, तो उन्होंने ये बोला कि ज़्यादा हार्ड है तो आप सॉफ्ट ही यूज़ करें, तो हमने सॉफ्ट लिया है एचडी हाई डेंसिटी का, मतलब हार्ड भी नहीं चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, तो उसी हिसाब से हम ये लगा रहे। ये देखो कैसा बैठने वाला है, वो हमने एक बार चेक कर लिया, और किधर से काटने वाले वो भी चेक कर लेंगे। और वो स्पेशली कस्टमर बोल रहे थे इंग्लिश में और हम समझ रहे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा उनको हिंदी भी आ रहा था, तो हम हिंदी में भी बात कर रहे थे और इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे, मतलब उनकी बात हमें समझ में आए और हमारी बात उनको समझ में आ जाए, उतना तो हमारा इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक था। अभी देखो हमने वॉलिंग लगा दी है प्रॉपर तरीके से, कस्टमर तो हमारे सामने बैठे हैं। अभी एक हम बेस बनाने वाले पूरी अच्छी तरीके से, मतलब बाद में उनको बोलेंगे राइड मार दो आप। और ये सिर्फ हमने फ्रंट वाला सीट किया है, और कस्टमर बोले बैक सीट में तो कोई बैठता भी नहीं है मेरे पीछे, तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट कोई फैमिली मेम्बर रहेंगे तो उनको, मतलब इनके अलावा जो कस्टमर रहेंगे उनको बैक सीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपन, पर ये बोलेगे मैं अकेला ही बैठता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे का ही फ्रंट का करो, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है हमने एचडी वॉलिंग लगा के, मतलब उनके हाइट को जैसे लगता है उसी हिसाब से हमने बनाया, जो स्लोप बिप था पूरा वो निकाल दिया, और सर को हमने बोला कि आप बैठो और राइड मार के देखो क्या लग रहा है, और पीछे का भी हाइट बढ़ाया था इसके पहले, उसको तो हमने हाथ नहीं लगाया, और सर को बोले ये देखो आप, सर थोड़ा सा राइड करके आ गए, ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा बोल रहे, चेक कर रहे कैसा लग रहा है। उसके बाद राइड मारने के बाद फाइनल हो गया कि बहुत ही अच्छा बनाया आपने, और कवर कैसे लगाने वाले हो, हमने बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए उनको, बट वो बोले कि हमें प्लेन ही चाहिए, तो हम प्लेन ब्लैक में किया है हमने। हिमालयन का बहुत सारा ऐसा सीट का ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसका हाइट और वेट ज़्यादा होगा तो उनको प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है उनको। बहुत सारे लोग बोलते हैं जेल पैड यूज़ करेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ कि जेल पैड का ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा तो सॉफ्ट और हार्ड दोनों भी ऐसा सीट चाहिए, जेल एक बार डाल दिया तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा दिन वो टिकता नहीं है, और कवर भी जल्दी से ख़राब होता है वो जेल पैड की तरह से, क्योंकि वो पानी उसमें रहता है, पानी की तरह जेल रहता है वो, इसलिए जो ऊपर का कवर है जल्दी हार्ड हो जाता है। ये बाद में हमने प्रॉपर फिटिंग की है, और सिर्फ आगे का किया है हमने, और प्रॉपर तरीके से राइडर है सर, ये देखो फाइनल फिनिशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किए है हमने। बाद में सर ने बोला कि हिंदी में बात की हमसे कि मुझे चाय चाहिए और चाय के साथ पार्ले भी चाहिए, तो हम अतिथि देवो भव, तो हमने उतना तो उनका किया, चाय बिस्कुट
खिलाया उनको सर जी को। और ये देखो अपना शॉप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।